हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू फाइंड आर्मस्ट्रांग नंबर यूजिंग रिकर्सन बिटवीन 100 टू 999, मतलब कि 100 से लेकर 999 के बीच में। यदि हमको निकालना हो रिकर्सन की मदद से आर्मस्ट्रांग नंबर, तो कैसे निकालेंगे वो इसमें देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, उसके बाद हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे हम 100 टू 999 निकालेंगे। तो आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है कि जो आर्मस्ट्रांग नंबर होता है वो क्या होता है, 3 डिजिट का एक डिजिट होता है। और उसमें क्या होता है कि इसमें हर डिजिट का जो हमारा क्यू का योग होता है वो क्या होता है, उस नंबर के योग के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि आप समझिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 371। इसमें क्या होता है कि जो 3 है इसको हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसका क्यू करेंगे, मतलब ये। फिर 7 है, इसको भी मैं क्या करूंगा, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इसका भी क्यू निकालूंगा, ठीक। और 1 है, उसका भी मैं क्या करूंगा, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। और तीनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब तीनों का क्यू निकाल करके तीनों को योग करेंगे। योग करने के बाद यदि वो नंबर ये प्राप्त हो जाता है 371 प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब यह है कि वो हमारा क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको, जो कि करेंगे रिकर्सन मेथड से करेंगे, रिकर्सन के द्वारा करेंगे। तो हम यहाँ पे एक जो मेन क्लास हमारा उसके अंदर एक बनाएंगे मेथड, आप बाहर बना सकते हैं, मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ जो कि होगा। पहले तो उसमें वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे एक्स में वेरिएबल एक ले लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा मेथड जो कि होगा हमारा इंट, और उसको लिखेंगे फाइंड आर्मस्ट्रांग नंबर। ऐसे करके कुछ भी नाम बना सकते हैं, तो मैंने फाइंड आर्मस्ट्रांग नंबर ऐसे करके बना दे रहा हूँ, ठीक है। फाइंड आर्मस्ट्रांग नंबर इस तरह से मैं बना दिया। उसमें मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा, एक होगा हमारा एम जो कि हम पास करेंगे, और एक होगा हमारा ए, ठीक है, जो कि आर्मस्ट्रांग नंबर बताएगा हमारा। तो हमने 2 चीजें यहाँ पे पास कर दी। अब मुझे जो नेक्स्ट काम करने वाला, चूंकि मैं इंट लिया हूँ तो भाई मुझे उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाने होंगे कि जो हमारा यन है वह तब तक चलेगा जब तक कि वो क्या हो जाता है, 0 नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप या फॉर लूप का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इफ एल्स का ही यूज करके यूज करेंगे, क्योंकि रिकर्सन लूप का यूज नहीं कर सकते हम, तो मतलब नहीं रह जाएगा इसका बनाने का, ठीक है। इसलिए रिकर्सिव यहाँ पे मेथड का यूज कर रहे हैं। अब जो एक्स वेरिएबल हमें बाई डिफॉल्ट में ऊपर लिया था, उसमें क्या करूंगा, जो अभी नंबर जो भी जाएगा यूजर द्वारा इनपुट में, उसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किससे, 10 से। 10 से मतलब मैं क्या करूँ, परसेंटेज का ऑपरेशन करूंगा। उसके बाद जो ए वेरिएबल है उसमें क्या करूंगा, मैं हर बार इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, और जो एक्स है ना उसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, मतलब कि एक्स का मुझे क्यूब निकालना है, मतलब हर नंबर का मुझे क्या करना है, क्यूब निकालना है, और उसको क्या करना है, ऐड करते जाना है। फिर क्या करना है, जो अभी मैं नंबर लिया था उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा किससे, 10 से हमारा। तो ये मैंने ऑपरेशन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको रिटर्न भी करना है ना, तो रिटर्न करना जरूरी होता है। तो रिटर्न में क्या करेंगे हम, फाइंड जो आर्मस्ट्रांग नंबर है उसी को मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रिकर्सिव मेथड का, क्योंकि यहाँ पर रिकर्सन मेरा कॉल होना शुरू हो गया है। और मेरा एरर इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कॉपी में लिया था फाइंड आर्मस्ट्रांग नंबर इंटीजर लिया है, वाइड लिया हो तो दिक्कत नहीं होता, तो मुझे इसको भी रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, और उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, एक को ही रिटर्न करना होगा, मैं क्या करिए, एक को रिटर्न कर लिया। अब ये देख रहे हैं मेरा एरर है वो खत्म हो चुका है, मैंने ए वाला काम कर लिया। अब ये फाइंड आर्मस्ट्रांग नंबर वाला है ना, ये मुझे अभी बाद में काम होगा, हमने यहाँ पे देखिए रिकर्सिव मेथड कॉल कर दिया है ये वाला। तो हम आगे यहाँ पे देखते हैं क्या करना है मुझे। तो यहाँ पे आएंगे हम और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारा है आर्मस्ट्रांग रिकर्सन का, ठीक है, ताकि मैं उसको यूज कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे आऊंगा आर्मस्ट्रांग रिकर्सन ए, ये थोड़ा कैपिटल ले रहे हैं, इसको न्यू और आर्मस्ट्रांग नंबर ए हमने बना दिया जो कि हमने क्लास बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ वेरिएबल लूंगा इंट आर्म, ठीक है, और फिर आउट कर दूंगा सिस्टम आउट एंड प्रिंटलन। और इस कंडीशन में मुझे यहाँ पे कुछ लिखना होगा वेरिएबल, इसे वैसे लिख देता है यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नंबर बिटवीन। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है, बिटवीन, और यहाँ पे लिख देंगे क्या 500, तो ऐसे करके लिख देता हूँ 999, ठीक है। तो इस कंडीशन मुझे क्या होगा, यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूप चलाऊंगा, लूप चलाऊंगा यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे फॉर लूप यूज करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं इंट, ठीक है, और यहाँ पे नम, नम कहाँ से, नंबर जो मैं लिया हूँ उसको मैं कहाँ से चलाऊंगा, उसको मैं चलाऊंगा 1 से लेकर के, और उसको चलाऊंगा कहाँ से, जो मैं नम लिया है उसको मैं चलाऊंगा 100 से या 500 से चलाएंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1000 ले ले रहा हूँ, ठीक है, 1000 तक चलाऊंगा यहाँ से। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे जो नम है ना वेरिएबल उसको मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अभी जो मैं आर्म नम का वेरिएबल बनाया था, जो बनाया था उसको मैं लूंगा, और यहाँ पे मैं
जो बनाया था अभी क्लास का ऑब्जेक्ट, उसको ए नाम से, और ए डॉट उसमें क्या मैंने लिया था, दो चीजें इसमें लिया था, एक्स लिया था और फाइंड आर्म स्ट्रांग नंबर, दो चीज लिया था। तो मैं इसे अगर मैं लूंगा उसको कॉल करूंगा और इसमें दो चीजें पास करूंगा, सबसे पहले तो पास होगा हमारा नम और दूसरा पास होगा हमारा यहाँ पे जीरो, ठीक है, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे जीरो दे देंगे हम, ठीक है। और इस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ से मैंने काम कर दिया, और लेकिन मुझे इसमें कुछ कंडीशन लगाने होंगे कि इफ कंडीशन यह रहेगा मेरा कि जो हमारा आर्मी स्टैंड नंबर है, ठीक है, आर्म है, अगर वो हमारा मान लीजिए नम के इक्वल हो गया तो इस कंडीशन में ही मुझे क्या करना है, इसका रिजल्ट को प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे आएंगे हम, आउट करते हैं सिस्टम में, आउट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा नम को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल सेव करते हैं और फिर इसको रन करके देखते हैं क्या रिकर्सन मेथड से हमारा यह कॉल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो ये देखते हैं आगे हम। उसके बाद कोड का एनालाइज करेंगे कि कोड कैसे काम कर रहा है हमारा यहाँ। तो भैया अभी सिर्फ इतना ही, तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आया नहीं आया। तो हमारा आंसर देखिए आ गया हमारे यहाँ पे 192, यहाँ पे 999 के बीच में बात करें यहाँ पर हमारा 1 भी आ गया उसमें, और 159 153 370 371 और 407 हमारे चार क्या है ये आ गए, क्योंकि हमारे क्या नील आर्मी टैंक नंबर है, आर्मी टैंक नंबर है। तो इसको मैंने सबसे पहले क्या किया, इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बनाया क्लास, क्लास तो ऑलरेडी बना हुआ था, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल पास इंटीजर एक्स बनाया जो कि हमारा क्या है वो ग्लोबल वेरिएबल है, हम यहाँ पे कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, हालांकि मुझे सिर्फ इसी में यूज करना चाहिए था, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या कि एक बनाया कि हमारा फाइंड आर्मी स्टैंड नम नाम के बनाया मेथड, इसमें दो पैरामीटर पास किया, एक मैंने एन पास किया, एक मैंने ए पास किया जो कि आर्मी स्टैंड के लिए और ये नंबर के लिए है। फिर मैंने क्या कि उसको लूप चलाया एक यहाँ पे कि जो तब तक लूप चलेगा हमारा जब तक कि जीरो नहीं हो जाता है, एन से लेकर नंबर चलेगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या कि उसको टेन से डिवाइड किया, फिर मैंने क्या कि इसमें स्टोर किया एक्स को, उसका क्यू निकाला, उस नंबर का हर डिजिट का मैंने क्यू निकाला, उसको उसमें क्या कि हर सब में क्या कि ऐड किया और यहाँ पे फिर से डिवाइड करना शुरू किया। फिर मैंने रिकर्सिव यहाँ पे मेथड कॉल कर दिया, फिर मैंने एक को रिटर्न कर दिया। अब इस मेथड को मैं क्या करूंगा, बार बाद में जाकर के इस क्लास में, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि हमारा है इसका नाम से आर्मी स्टैंड नंबर यूजिंग रिकर्सन, इसमें इसका मैंने क्या किया एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ये नाम से। फिर मैंने क्या किया एक आर नंबर वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने बाद मैंने क्या किया एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में कहाँ से चलाया, वन से लेकर के यहाँ पे 1000 तक चलाया, ठीक है। मैं यहाँ पे 100 से चला सकती थी, 100 से चलाएंगे तो आपको एक नहीं मिलेगा, देखिए दिखा रहा है आपको 100 से हम चला रहे हैं इस लूप को, और इस कंडीशन में जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो एक है वो प्रिंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वन को यहाँ पे नहीं दिया है। तो देखते हैं कि क्या हमारा वन प्रिंट होता है या नहीं होता है, तो आप देखेंगे वन हमारा प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 100 से ऊपर लिया है, तो इस कंडीशन में इसलिए प्रिंट नहीं हो सकता है। 153 370 371 और 407 ये चार हमारे नंबर है जो कि नहीं आर्मी स्टैक नंबर कहा जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि इसको चला दिया लूप यहाँ से, और आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से मैंने कहा कि इस मेथड को कॉल कर दिया, और ये भी कंडीशन लगाया था कि तभी हमको प्रिंट होना चाहिए जब हमारा आर्म जो कि हमारा आर्मी स्टैक नंबर वन न्यूमेरिकल के बराबर हो जाए, नंबर के बराबर हो जाए, तो ये हमको क्या करना है प्रिंट करना है, अन्यथा प्रिंट नहीं करना है। तो हमने देखा यहाँ पे बहुत आसानी से इसको कैसे हम रिकर्सन मेथड के मदद से कॉल कर लिए और यूज करें, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।